तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने रहा हूँ वन यू आई 4.1 अपडेट होने के बाद जो आपको वहां पर कलर पैलेट में जो नए अपडेट्स मिले हैं या बोल सकते हो जो नए फीचर मिले हैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। और साथ साथ आपको बताने वाला हूँ कैसे आप उसके थ्रू अपने जो ऐप आइकन्स होते हैं उसका भी कलर चेंज कर पाएंगे। तो आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करेगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। दोस्तों चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों मैं आपको A52S में बताने वाला हूँ जिसमें वन यू आई 4.1 का अपडेट आ चुका है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आप यहाँ थोड़े प्रेस करके रखेंगे और यहाँ पर जाएंगे आप वॉलपेपर में। वॉलपेपर में जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है कलर पैलेट वाले में, या फिर आप कोई नया वॉलपेपर चेंज करेंगे तो आपको वहां पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले बता दूं, जैसे ही आप इसको चेंज करेंगे तो उसके थ्रू आपके यहाँ पर इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, ये जो एप्स दिख रहे हैं आपको जो सिस्टम एप्स होते हैं उनका चेंज हो जाएगा, और साथ में कुछ आपके जो एप्स हैं गूगल्स के उसके भी लाइक देख सकते हैं। यहाँ पर सबके चेंज हो चुके हैं, ये आपको दिख रहा होगा रेड रेड कलर के, ये सब मैं यहाँ पर चेंज हुए आफ्टर उसके बाद, तो मैं ये भी चेंज करके बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको जाना है वॉलपेपर स्टाइल में, यहाँ पर आपको क्लिक करना है गैलरी में अपने वॉलपेपर चेंज करने के लिए। सबसे पहले बता दूं इसमें कमाल का नया चेंजेस आया, जैसे आप यहाँ पर गैलरी में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक नया चेंज मिल रहा होगा सर्च का, जो कि पहले नहीं आता था, अब यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन मिल गया है। यहाँ पर क्या होगा, आप इजीली सर्च कर सकते हैं यहाँ पर अपने कोई भी प्लेस के नाम से, या कोई फोल्डर भी आपको सर्च करना हो लाइक स्क्रीनशॉट, या फिर देखिए जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा और मैंने यहाँ पर लिखा एस, तो आप उसको देख सकते हैं उसके उसके रिलेटेड आपके पास क्या क्या है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीन शॉट्स, योर सेल्फी, ये आपको यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, जिससे बहुत इजीली कोई भी अपनी जो फोटो को फाइंड करना चाहते हैं गैलरी में लगाने के लिए, ताकि आप इजीली उसको फाइंड कर सके। तो यहाँ पर आपको ये सिस्टम दे दिए गए, आप यहाँ पर चाहें तो लोकेशन के थ्रू कर सकते हैं, लाइक मुझे भोपाल की कोई भी फोटो देखना है तो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो सारी फोटोज मेरी यहाँ पर आ जाएंगी। तो ऐसे ये वर्क करता है। तो सबसे पहला जो अपडेट, सबसे पहले जो नया फीचर लगा मुझे बहुत ही कमाल का, कोई भी फोटो फाइंड करना हमें गैलरी में लगाने के लिए, अब हो सकते हैं वॉलपेपर लगाने के लिए, तो बहुत ही इजीली आप यहाँ पर इसको फाइंड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर अपनी कोई सी भी फोटो को चूज कर लेता हूँ, लाइक मैंने अपनी ये वाली फोटो को चूज कर लिया और ये मैंने यहाँ से उसको डन कर दिया। डन करने के बाद वो आपसे पूछेगा होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड लॉक एंड होम स्क्रीन, आपको जिस पे भी लगाना हो आपको उस पर सिलेक्ट कर लेना है, मुझे होम स्क्रीन पे लगाना है। उसके बाद यहाँ पर जो नया अपडेट ये है कि आपको इसको यहाँ पर सेट कर लेना है। सेट तो सबको पता ही है कि आप इसको सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर नया अपडेट ये है कि आपको यहाँ पर इसका कलर चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे ऊपर ये कलर चेंज हो रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ कर लेंगे तो बिल्कुल सेम हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर ब्लू है तो नीचे व्हाइट आ गया, मतलब व्हाइट आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की तरफ ये लाइट वाला आ रहा है, नीचे डार्क आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं डार्क मोड में जाऊंगा तो ये नीचे वाला जो लाइट कलर है वो डार्क मोड में आ जाएगा, अभी लाइट मोड में हूँ तो डार्क कलर आएंगे। ऐसे ही आपको इतने सारे यहाँ पर कलर दिए, जो भी आपको चूज करना है आपको देख लेना है। और नीचे आपको मेन चीज करना है अप्लाई पैलेट टू ऐप आइकन, मतलब कि ऐप आइकन पे भी ये काम करे, लाइक मैंने अब ये वाला कलर कर दिया ताकि आपको लाइक मैंने ब्लू कलर ले लिया, सॉरी आपको समझ में नहीं आएगा इससे, तो मैंने ये वाला कलर ले लिया, आपको दिख रहा होगा ये कलर मैंने सेट कर दिया और यहां से मैंने उसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद अब होगा क्या, ये सारी जगह मेरे कलर चेंज हो जाएंगे, लाइक ऐप आइकन से रिलेटेड आप देखेंगे पहले डार्क थे अब यहाँ लाइट हो गए, ये नोटिफिकेशन पैनल को चेंज करूंगा तो ये भी कलर यहाँ पर लाइट हो गया है। और अगर यहाँ पर आप कोई सिस्टम एप्स भी चलाएंगे, लाइक मैं यहाँ पर कैलकुलेटर खोलता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको यही कलर दिख रहे हैं, और यहाँ पर अगर मैं ये भी खोलता हूँ डायलर तो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, जो कि पहले वन यू आई 4.0 में ऐसा नहीं होता था, वहां पर सिर्फ नॉर्मली कलर्स चेंज होते थे, यहाँ पर आप सभी कलर यहाँ पर चेंज हो जाते हैं, तो बहुत ही। और अगर मैं इसको डार्क मोड पे कर लूंगा तो आप देखेंगे वहां पर जो भी उससे रिलेटेड जो भी उसमें दिख रहे थे कलर उससे रिलेटेड यहाँ पर चेंज हो जाएगा। लाइक मैं यहाँ पर आ गया डार्क मोड पे, डार्क मोड इनेबल होने के बाद आप देखेंगे अब यहाँ पर कलर और चेंज हो गए, लाइट हो गए, पहले डार्क थे अब ये लाइट कलर हो गए, जो कि उसी थीम से वहां पर आपको दिख रहे थे ये भी चेंज हो गए। अब यहाँ पर क्लिक करके देखेंगे वॉलपेपर एंड थीम्स में जाएंगे, यहाँ पर कलर पैलेट्स में जाएंगे तो अब देखेंगे यहाँ पर ये अलग से चेंज हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर डार्क और लाइट के हिसाब से ये सेट हो जाएगा। और सबसे अच्छा चेंजेस यहाँ पर ये दे दिया गया है अप्लाई पैलेट टू ऐप आइकन, मतलब कि आप ऐप आइकन पे भी इसको चेंजेस कर सकते हैं। तो ये फीचर, या अगर मैं आपको दूसरी फोटो लगाऊं तो उसके थ्रू वापस काम करेगा। मैं गैलरी में आया, मैंने गैलरी पे आने के बाद मैंने यहाँ पर गया, मैंने यहाँ पर दूसरी फोटो को उठाया और डन करा, या होम स्क्रीन पे गया आप देखेंगे अब मैंने यहाँ पर इसको सेट कर लिया। सेट करने के लिए आपको पता ही होगा आप इजीली इसको सेट कर सकते हैं, आपने सेट कर लिया, सेट करने के बाद वापस आपसे पूछेगा, ये देखिए अब यहाँ पर जो भी आपके कलर जो आप फोटो लगाएंगे उसके थ्रू मिलता जुलता यहाँ पर लगेगा, ताकि कॉम्बिनेशन अच्छा हो, इससे आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। लाइक मैंने ये वाला कलर लगाया, आप देखेंगे ये मैंने कलर ये वाला लगा दिया, थोड़ा सा लाइट ग्रीन सा है, मैंने इसको लगा दिया। अब यहाँ से मैंने लगाने के बाद इसको अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद मैं बैक आऊंगा
तो आप देखेंगे ऐप आइकन से लेके नोटिफिकेशन आइकन से लेके सब चेंज हो जाएंगे। आप देखेंगे ये चेंज हो चुका है, और अगर मैं ऐप देखूंगा ऐप भी यहाँ पर चेंज हो गए, आपको दिख रहे होंगे ऐप आइकन भी यहाँ पर चेंज हो गए, और यहाँ नोटिफिकेशन को नीचे करूंगा तो यहाँ भी ये चेंज हो गया है। और अगर अब मैं इसको डार्क वाले को चेंज कर दूंगा, लाइट मोड में ले आऊंगा, तो आप देखेंगे जो आइकन है यहाँ पर डार्क हो गए, जो कि डार्क मोड पे लाइट हो गए थे, अब लाइट मोड होते ही ये डार्क काम आ गए। मतलब कि बहुत ही शानदार ये ऑप्शन दिया है, आपके जो भी यूजर्स के हिसाब से ये वर्क करता है। मुझे तो ये वाला चेंजेस बहुत अच्छा लगा, जो कि वन यू 4.0 में नहीं था, 4.1 आने के बाद ये फीचर तो मुझे सबसे अच्छा लगा। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करें, अगर आपको लगता है उसमें वीडियो कुछ कमी हो डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना बोले, और साथ में नोटिफिकेशन वाला आइकन को भी दबाना ना बोले, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करना भी ना बोले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू।